What's up guys, welcome back to my YouTube channel. तो क्या हालचाल भाई लोग? Guys, आज हम एक बहुत ही गजब सी जगह जा रहे हैं. आपके लिए गजब सा सरप्राइज है. आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत ही मस्त जगह जा रहे हैं. मैं तो उस जगह 2-3 बार जा चुका हूँ, बट फिलहाल अब टाइम है आपको लेके जाना और आपको उस जगह की फील दिलाना और आपको उस जगह के बारे में बताना. निकलते हैं हम ढेंकानाल के लिए. ढेंकानाल जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है. फिलहाल अभी हमें भुवनेश्वर में, ढेंकानाल जो है वो ओडिशा का एक और डिस्ट्रिक्ट है. हमें अभी भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जो है वो ओडिशा की राजधानी है. तो ऑलरेडी चिरंजीव हमें ज्वाइन कर चुका है, देख सकते हैं आप. और ढेंकानाल में और भी 2-3 दोस्त मिलने वाले हैं. व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है गाइस, बहुत मजा आने वाला है. तो व्लॉग पूरा देखना. तो व्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं. लेट्स गो गाइस. आज बताओ चिरंजीव, आज क्या हम देखने वाले हैं? आज हम ढेंकानाल जा रहे हैं तो वहाँ पर तो पूरा हिली एरिया है. अच्छा. तो हम थोड़ा देखेंगे हिल्स, माउंटेन्स थोड़ा है. कैसा, लद्दाख वाला? लद्दाख वाला नहीं है भाई, यहाँ पर सब ग्रीनरी वाला माउंटेन मिलता है. बर्फ वाले नहीं मिलेंगे? बर्फ वाला नहीं मिलेगा. बर्फ वाला कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा बर्फ वाला. बर्फ वाला मनाली में चलना पड़ेगा. अपने उड़ीसा का भी एक अलग ही स्वैग है चिरंजीव. अरे मैं तो जानता हूँ, मैं उड़ीसा बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है. खितीश और मैं गए थे कोरापुट, वहाँ का भी नज़ारा बहुत तो अच्छा. हमारे व्यूअर्स लोग को हम कोरापुट भी लेके चलेंगे गाइस. कोरापुट ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है. हम कोरापुट भी चलेंगे जो एक और डिस्ट्रिक्ट है अपने उड़ीसा में, वहाँ भी आपको घुमाएंगे गाइस. कसम से इस चैनल पे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आने वाला है. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन गाइस. ये व्लॉग पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है लिटरली, क्योंकि वो जगह मैं पहले भी बहुत बार गया हूँ. तो मैं सोचा कि आप लोग को भी घुमा दूँ, बहुत प्यारी जगह है लिटरली गाइस. आप लोग को बहुत मजा आने वाला है. क्या व्यू है गाइस, मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा है. ये महानदी रिवर है. ये महानदी रिवर है गाइस, बहुत बड़ी नदी है गाइस. अभी जस्ट हमारा कटने वाला था, चिरंजीव के वजह से हमारा बहुत खतरनाक कटने वाला था. इसका जीपीएस इतना धोखा देता है, इतना धोखा देता है, मैं क्या बताऊं. अभी ढेंकानाल यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर है पर इसका जीपीएस दिखा रहा है कि 40 किलोमीटर. इसका जीपीएस ही खो गया. लद्दाख में भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ गाइस. हम घूमते रहे, फिर बाद में पता चलता है कि इसका जीपीएस ही लॉस्ट हो गया. तो अच्छा हुआ मैंने ठीक टाइम पे देख लिया मेरे फ़ोन में, वरना गाइस आज तो कटने वाला था हमारा. और भूख अभी गाइस बहुत लगी है. ढेंकानाल यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर दिखा रहा है और हमारा एक दोस्त अमरदीप वहाँ वेट कर रहा है. हम उसके साथ ही मिलके लंच करेंगे. अभी रास्ते में गोलगप्पे दिखे, हाय इतना मन किया खाने का गाइस, इतना मन किया, बताओ क्या बताऊँ, इतना मन किया. स्कूल की याद आ गई यार, जब हम बचपन में छोटे थे स्कूल से निकल के आते थे, गोलगप्पे खाते थे. गोलगप्पे खाने का बहुत मन था, पर अगर मैं अभी गोलगप्पे खा लेता और बाद में अमरदीप व्लॉग देखता तो बहुत मारता, क्योंकि वो उधर बहुत देर से वेट कर रहा है और अभी तो हमारा लेट होने वाला था. और यहाँ का नज़ारा गाइस, पहाड़ हमें दिखने लगे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा, बहुत ही प्यारा. मैं GoPro के शॉट्स आपको दिखाता हूँ. हाँ तो चिरंजीव, मुझे गोलगप्पे से ये याद आया. अच्छा यार, मुझे बचपन की याद आ गई. मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जब स्कूल से निकल के आता था इतना भूख लगता था और सामने एकदम गोलगप्पे, ओह एकदम दबा के खाता था. तो मेरी बचपन में एक आदत थी ना गाइस कि मैं मतलब कहीं भी कुछ भी खाने जाऊँ तो मतलब मैं पैसे दिए बिना आ जाता था, मतलब जानबूझ के नहीं यार, मेरे को याद ही नहीं रहता था कि मैंने पैसे नहीं दिए. तो एक बार गोलगप्पे मैं खा रहा हूँ स्कूल से निकल के, फिर मैं खा के बाहर आ गया, फिर मेरे को अंकल बुलाते हैं. एम्बरेसिंग मोमेंट क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही एम्बरेसिंग मोमेंट था यार चिरंजीव. फिर वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ थी, हंस रही हैं करके तुम्हारे ऊपर. हाँ बहुत हंसी. अच्छा. ठीक है, फिर वो मुझे बुलाते, मैं बोला आपको अभी तो दिया 100 रुपए में, अरे मैं तो पैसा ही लेना भूल गया. फिर मैंने बोलते हाँ हाँ ठीक है ले लो बेटा 80 रुपए. फिर मुझे 80 रुपए देने लगे, वहाँ लड़की हंस रही थी, मैं बोला इनको दे दो. तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं ढेंकानाल और शायद 1-2 किलोमीटर है राइट, कितना दिखा रहा है मैप में, 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दूर है. भूख बहुत भयंकर लगी है गाइस. अभी तो सिर्फ नॉनवेज खाने का मतलब चिकन एकदम दबा के खाना है, मतलब एकदम खींचो. अगर तौफीर ये वीडियो देख रहा है तो मतलब चिकन खींचो. तो गाइस खींचो का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग अगर दबाने को खाओ, मतलब अगर तुम खींच के खाओ उसे हम बोलते हैं खींचो.
ये हमारी कोड वर्ड है। देखो चिरंजीव एकदम वादियों का मजा लेते हुए यहाँ मुस्कुराहट देख रहे हो बंदे की, इसने एक महीने से नहीं किया, समझ रहे हो गाइस क्या नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया? लद्दाख से पहले किया था। जो सब्सक्राइबर सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बता रहा हूँ। चिरंजीव ने क्या नहीं किया दो महीने से, यही ना। चिरंजीव यार तुम कैमरा के सामने बहुत चुप रहते हो, ऐसा क्यों? कुछ बोल लो, शर्म आती है कि अब तो आदत हो गई होगी इतनी बेइज्जती करवा करवा के। तो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए अमरदीप के घर के पास। तो गाइस यहाँ पे अमरदीप आ गया, देखते हैं एकदम सेक्सी सा बुलेट लेके। से हाय टू माय यूट्यूब फैमिली। यार तुम्हारी बाइक तो बहुत सेक्सी है, इसे तो तुम कॉलेज में नहीं लेके आते थे कभी, क्यों? अच्छा घर में बोलते हैं वरना रिश्ते आ जाएंगे। तो गाइस अभी अमरदीप आगे जा रहा है और हम पीछे पीछे उसे फॉलो अप करके चल रहे हैं। अभी उसके घर से वो ड्राइव करेगा और मैं व्लॉग बनाऊंगा तो फिर मजा आएगा क्योंकि मैंने बहुत चला लिया। अमरदीप सुनो यार, तुम आर्यन खान का पोस्टर लगाने वाला आदमी किशोर कुमार रखे हो। अच्छा अंकल किशोर कुमार के फैन है, अगर तुम होते तो आर्यन खान का लगाते। अभी अमरदीप ने हमें खिलाया ढेंकनाल के फेमस बरा और कुछ मिठाइयाँ, आप भी खा लो फ्रेंड्स। और यहाँ पे अमरदीप मुस्कुराते हुए, ये सारे गन्स देखिए, ये अंकल अपने टाइम में रखते थे शिकार करने के लिए, अंकल गन रखते थे और बेटा बॉटल रखता है। अंकल के पास गन्स की कलेक्शन है और बेटे के पास बॉटल्स के। सो गाइस अभी हम निकल पड़े हैं अमरदीप के साथ बाहर कुछ खाने के लिए लंच। देख रहे हैं अमरदीप यहाँ ड्राइव कर रहा है और मैं व्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी चलते हैं, भूख बहुत लगी गाइस, पहले खा लेते हैं फिर बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया व्लॉग में आज फन अनलिमिटेड होने वाला है, तो अभी फाइनली हम खोज रहे एक अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम अपना पेट पहले भर ले। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गजब के रेस्टोरेंट में और हम अभी लूटने वाले हैं अमरदीप को एकदम, अभी इसको हम लूटेंगे, इससे मस्त मस्त डिशेस खाएंगे। फाइनली ये राजी हो गया, कॉलेज में तो ये कभी हमें पार्टी नहीं देता था कॉलेज। देखिए जो पार्टी देता है उसका, देखिए इसका मुंह एकदम सूख गया है क्योंकि अभी हमें ये पार्टी देने वाला है। सो गाइस अभी इसको पहले लूट लेते हैं फिर आप लोगों से बातें करते हैं, भूख बहुत लगी है तो खाने के बाद आपसे मिलते हैं। और हम खाने में क्या ऑर्डर करते हैं ये भी आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बाय। कर लो भाई सब मंगा लो, सब मंगा लो, आज लूटना है अमरदीप को। कॉलेज में इसने कुछ भी नहीं खिलाया है तो आज इसको सब लूटेंगे। सबसे महंगा वाला डिश मंगा लो। देखो गाइस इसका मुंह अभी सूख गया है क्योंकि अभी ट्रीट देने की बारी जब आती है तो सबका मुंह सूख जाता है। मेरा तो मुंह नहीं सूखता पर अमरदीप का सूख गया है, बहुत टेंशन में ही है। तो गाइस क्या ऑर्डर करते हैं अभी देखते हैं, मंगा लो। अमरदीप तुम क्या खिलाओगे हमें बताओ, यहाँ सबसे बेस्ट क्या मिलेगा? बॉटल, पानी बॉटल पिला के तुम भेजोगे ढेंकनल में? यार तुम देखो पता है तो ऐसे ढेंकनल की बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारे जो ढेंकनल के व्यूअर्स देखेंगे वो तुम्हें जब कंजूस कंजूस रोड में बुलाएंगे। क्या क्या ऑर्डर दिया चिरंजीव तुमने, बताओ बताओ। अरे बताओ बताओ, नहीं 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 सब हब बोलो बोलो क्या ऑर्डर दिया। ये है जो ये खींचो गैंग्स है, जिसको जब कुछ मिलता है तो ये अच्छे से खींच लेता है। तो तुमने क्या क्या ऑर्डर दिया बताओ चिरंजीव? प्लेन राइस दो, डल फ्राई एक, चिकन पटियाला एक, चिकन मंजारा एक, रोटी दो, मसाला पापड़ तीन। कुछ कुछ बोल रहे थे अमरदीप यहाँ क्या क्या मिलेगा? तो सब कुछ मिलेगा। तुम कुछ सिस्टम के बारे में बोल रहे थे? सिस्टम वही सिस्टम भी मिल जाएगा, सिस्टम 32404 यार तुम बहुत मुस्कुराते हो यार। अरे सब्सक्राइबर जो लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होता है। तो गाइस एक साल वेट करने के बाद हमारा खाना आ चुका है। Few moments later. So guys अब लंच हो गया हमारा कंप्लीट, पर हमें ढाबे का खाना अच्छा लगता है, मतलब जो खाना था इट वाज लाइक ओके ओके टाइप, बट ढाबा में खाने के बाद हमें अब आदत पड़ गई ढाबा की, तो हमें ढाबा का खाना ही अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लगा अमरदीप खाना? मतलब ढाबे तो एक अलग का मजा आता है। हाँ मतलब ढाबा में गाइस अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वहाँ के खाने मतलब अच्छे लगते हैं यार। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लग्जरी, कभी कभी मतलब ऐसे रोड साइड में रोड साइड फूड स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है। हमारे उड़ीसा की तो ये खासियत है कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स और हमारे ढाबे के खाने बहुत ही
अच्छे होते हैं। तो गाइज अभी लंच हो गया हमारा फिलहाल कंप्लीट और हम निकल रहे हैं अभी हमारे मेन स्पॉट पे और जहाँ हमने जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत प्यारी जगह है, फाइनली अभी हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ और हम पहुँचते हैं उस लोकेशन पे, फिर वहाँ पे बातें करते हैं। गाइज देखिए वादियाँ, कितनी प्यारी वादियाँ, और यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो रही है हमारी गाड़ी की, एकदम मस्त मज़ा आ रहा है। और हल्की हल्की बारिशों के साथ, बहुत ही तकलीफ के साथ हम निकल रहे हैं इस ट्रैफिक जाम से। अच्छा सुमेम बताओ, हाँ आज के लिए हम भाई के लिए स्पेशल क्या लाए हो? भाई के लिए क्या लाया हूँ? हाँ, मेरे लिए। देखो तुम्हारे लिए जो मैं लाया हूँ YouTube में दिखा नहीं सकता क्योंकि पापा ब्लॉग देखते हैं, ठीक है। जो है वो बिहाइंड द सीन होगा, और हमारे जो भाई लोग समझदार भाई लोग हैं वो तो समझ गए होंगे। हाँ। इस उम्र में आपको क्या पसंद आ रहा होगा, इस उम्र में, मतलब इस उम्र में तुम्हें जो पसंद है मैं वो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो जो भी तुम्हें पसंद है, मतलब मिलती जुलती चीज हम लेके आए तुम्हारे लिए, बहुत ही खूबसूरत चीज जिसे पाने के बाद तुम सिर्फ घूमोगे नहीं, तुम झूम जाओगे। हाँ तो गाइस अभी जिस लोकेशन में हम जा रहे हैं ना, वो हम मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, इट्स ए ब्यूटीफुल फार्म हाउस। मैं पहले ही आपको थोड़ा सा हिंट और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आप फील कर सको, है ना। हाँ तो मतलब ये जो रास्ते पे जा रहे हैं, थोड़ा आगे गाँव पड़ेगा, तो गांव में आज के जमाने पे लोग इलेक्ट्रिसिटी बल्ब नहीं देखते। अच्छा, तो उनका जो मामले है। तो गैस हम जिस लोकेशन में जा रहे हैं, वो जिनकी प्रॉपर्टी है उन्हें इस एरिया में लोग मतलब बहुत मानते हैं, बिकॉज उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। लाइक यहाँ पे उन्होंने 2000 प्लस फैमिलीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, जो लोगों ने कभी देखा नहीं था। तो यार गैस अच्छा लगता है कि ऐसे लोग भी हमारे दोस्त हैं, ऐसी फैमिली से भी हम जुड़े हुए हैं। मतलब आई एम रियली ऑनर्ड कि ऐसे दोस्त मेरी ज़िंदगी में मेरे बने। तो मैं आपको अभी मेरे बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे दोस्त से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसका नाम आशुतोष है और हम उसे प्यार से विक्की बुलाते हैं, जो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है गाइस। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि लाइक लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं, बट ऐसा फ्रेंड मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ही इज़ रियली सो गुड फ्रॉम हार्ट यार, उसका दिल बहुत बड़ा है एंड बहुत ही अच्छा गाइस, मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त है। मतलब अगर कल को अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी कभी तो ही विल बी देयर। मतलब अच्छे काम पे नहीं होगा पर तुम्हारे बुरे काम पे वही आ गया फेल है। तो गाइस मतलब वो ऐसा दोस्त है ना कि हमारे अच्छे कामों में भले वो साथ ना हो, पर बुरे टाइम में वो हमेशा साथ रहेगा गाइस। लाइक वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड इन आवर लाइफ, इतना अच्छा दोस्त है गाइस वो। मतलब कल को फैमिली हमारी खड़ी होगी तो वो हमारे साथ खड़ा होने वाला दोस्त है गाइस। ऐसे चीजें ना लाइफ में जस्ट ए गिफ्ट फ्रॉम लाइक गॉड यू कैन से, मतलब ये कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं ऐसे दोस्त गाइस। आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं, मतलब मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छा लगता है गाइस जिंदगी में, कि जिंदगी में गाइस एक अच्छा दोस्त कमाना ना बहुत मुसाना इज वेरी डिफिकल्ट, और वी आर सो ऑनर्ड कि हमारे जिंदगी में ऐसा दोस्त है। तो जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और जो भी, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, बस ऐसे दोस्त चाहिए जिंदगी में गाइस। यू डोंट नीड ए क्वांटिटी इन योर लाइफ, क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स एट लास्ट। तो अगर आपकी जिंदगी में क्वालिटी है ना, तो गाइस दैट इज व्हाट मैटर्स टू यू। गाइज अभी चलते हैं उस लोकेशन में और आपको मिलाते हैं मेरे एक बहुत ही खास दोस्त है, जो बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, एंड वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारे प्लान्स हैं, सरप्राइज है। आप वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है गाइज, है ना। बहुत कुछ सरप्राइज है गाइज, बहुत इंजॉय करने वाले हो इस ब्लॉग को, एंड आई विल मेक यू फील लाइक यू आर हियर। मैं आपको ऐसा फील कराने वाला हूँ कि आप मेरी जगह हो एंड आप इस लोकेशन को इंजॉय कर रहे हो। द वेदर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग गाइज, रोमांटिक वेदर हुआ हुआ है यहाँ। ऐसी जगह उड़ीसा में कभी किसी ने सोचा भी नहीं हुआ होगा, मतलब द वाइब इज एक्सट्रीमली डिफरेंट है यहाँ की। अपना सनरूफ भी खोला हुआ है आप देख सकते हैं, मैं इसको वाइड करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं हम लोग ने अपना सनरूफ भी पूरा खोला हुआ है, जस्ट टू फील द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेस। सामने वादियाँ तो आप देख ही रहे हैं, और आपको तो पता ही है कि हमको वादियों से कितना मोहब्बत है। अमेजिंग, स्टनिंग, ब्यूटीफुल, जितनी तारीफ करूं कसम से कम गाइस। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपने ऐसी जगह उड़ीसा में देखी है कभी, या कभी जिंदगी में अगर देखी है ऐसा लोकेशन तो मुझे जरूर सजेस्ट करना, मैं भी उस जगह को विजिट करना चाहूंगा, जरूर देखना चाहूंगा कि इससे भी खूबसूरत जगह है क्या शायद।
इट्स नॉट कश्मीर गाइस, इट्स ओडिशा। हाँ, हमारे ओडिशा में भी ऐसी जगह है। सो फिलहाल गाइस, हम लोग ने अपनी कार यहाँ पे रोक दी है और हम थोड़े फोटो शूट कर रहे हैं विद दिस अमेजिंग व्यू। दिस इज ओडिशा बेबी, ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल ओडिशा। कुछ बोलिए इन नज़ारों के बारे में, कैसा फील होता है जब हम ऐसी जगह में आते हैं। अमरदीप, अमरदीप आप भी बहुत जगह घूमे हुए हैं, आप भी बहुत अच्छी अच्छी जगह गए हुए हैं, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? अच्छा लगता है ना, मतलब फोर्स से बाहर, अच्छा मतलब बिजी लाइफ से बाहर आके जंगलों के बीच बहुत ही पीस लगता है, सुकून ही सुकून। अच्छा, यहाँ अमरदीप एकदम स्ट्रगल करते हुए गाइस, और यहाँ पे देख रहे हो ट्रैफिक जाम है, पूरा ट्रैफिक जाम है आज, वहां तक ट्रैफिक जाम है, देखो वहां तक ट्रैफिक एकदम जाम है भाई। समझ रहे हो ना अमरदीप एकदम स्ट्रगल करते हुए, और इसे देखो पीछे देखो, ये ट्रैफिक जाम में फंसना ही नहीं चाहता। देखो ये अलग ही दुनिया में, अभी खाना खाने के बाद ये लौट गया है, टुल चिरंजीव टुल। फाइनली गाइस, हम लोग ट्रैफिक जाम से लगता है निकल गए हैं, पर यहाँ पे एक और ट्रैफिक जाम लग गया है। जयदेव विहार से निकल के आचार्य विहार में हम फंस गए हैं लगता है आगे कम ट्रैफिक मिलेगा हमें, और यहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और यहाँ पे देखो उनका साइंस टीचर दौड़ते हुए इनके पीछे। लोकेशन में पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा जगह है। Finally we reached the location. The view is just stunning. देखिए वहाँ पे मेरा दोस्त वहाँ खड़ा है भाई पूरा एकदम मूड में आज हेला फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं। ये मेरा दोस्त है, आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी के ओनर यहाँ पे है ये इन्हीं के बारे में हम आपको रास्ते में बता रहे थे। आपके बारे में हम लोग ने बहुत एक्सप्लेन किया, आप व्लॉग में देखेंगे, जब व्लॉग आएगा तो आप देखने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, वो तो हमारे व्यूअर्स कमेंट्स में बताएं। तो गाइस देख लीजिए, ये हमारा भाई है जिसके बारे में हम बता रहे थे, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त जिसके बारे में हम लोग ने एक्सप्लेन किया। अब ये शर्मा रहा है थोड़ा सा, शर्माना तो बनता है तो गाइस भाई ने जिम ज्वाइन कर लिया, और सबसे खास बात यह है कि भाई ने फर्स्ट डे ही छुट्टी ले लिया है अच्छा हमारे लिए, भाई देखो इतना प्यार भाई दे रहा है हमारे लिए, बताओ तो गाइस हमारा प्लान वो थे एंटरप्रेनर्स, हम इस जगह को एकदम टिकट वाला सिस्टम यहाँ पे कॉटेज लगा देंगे, ठीक है, फूडिंग शूटिंग सब कुछ यहाँ होगा, 10,000 रुपए फ्री में हो रहा है। नहीं फ्री वाला काम अब बंद ना, लोग फ्री वाले को वैल्यू नहीं देते है ना। 1007 CM का नंबर है, हमने इसलिए तो लिया, CM तो नहीं बन पाए, गाड़ी CM के नंबर ले लिया गाइस देखिए यहाँ पे क्रेटा और यहाँ सिट्रॉन, आपने शायद ये कार देखी नहीं होगी पहले, आई होप सो, अगर देखी होगी तो अच्छी बात है। देखिए ये भी 0777 1007, वी आर सेवन गैंग, हम सब साथ साथ है गाइस। देखिए इस कार का रिव्यू हम बाद में, फुल रिव्यू आएगी, अभी थोड़ा सा आप इस कार को देख लीजिए। वैसे अभी आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं, इसका रिव्यू वीडियो बाद में आएगा। देखिए ओह सेक्सी, हाँ ही जी बे, खतरनाक पूरा पैनोरामिक सनरूफ, हाँ क्या स्टीयरिंग है, गजब। इंटीरियर माने 10 out of 10, हाँ जो पावर ब्रेक गियर, इसमें राइड करेंगे कल गाइस, इसकी एकदम फुल रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी आएगी, अभी तो इस लोकेशन का वीडियो हमें बनाना है, तो बाद में इसकी फुल रिव्यू आएगी। तो गाइस बहुत से कार के रिव्यू आने वाली हैं,
ये जो मेरा दोस्त विक्की है उसके पास बहुत अच्छी अच्छी कार है बहुत। तो हम कौन कौन से कार का हम वीडियो बनाएंगे? AMG? हाँ, तो भुवनेश्वर में जो गाइस AMG की वीडियो आने वाली है। और कौन कौन से कार की वीडियो आएगी बताओ? हम हैं आपके पास से कौन कौन सा कार राइड करने को मिलेगा? C90 Volvo और GLE 350 और मिनी कूपर 40 और क्या, और एक क्रेटा तो इसुजु भी है। भाई ने अभी नया वन प्लस का वॉच लिया है तो भाई थोड़ा शो ऑफ तो बनता है भाई। देखो देखो गाइस देखो थोड़ा सा मतलब आप जब कुछ नया चीज लो ना तो थोड़ा होता है ना ऐसे ऐसे करके थोड़ा देखना चाहिए गाइस, नहीं तो फिर अगर लोग ना पूछे कि कहाँ से लिए तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस ये जो है ये प्रॉपर्टी है, इसके पीछे स्विमिंग पूल है, अभी हम चलेंगे। और यहाँ गार्डन है जैसा आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा पास चल के चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पूरा गार्डन है, पीछे वादियाँ तो आप देख ही रहे होंगे, नी पार्क बनाया गया है। और तो गैस यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे हम अपने इंडियन प्लेयर्स लोगों को ला के प्रैक्टिस कराते हैं। लास्ट बार थोड़ा वो आए नहीं थे, यहाँ बारिश हो गया था उसलिए पाकिस्तान से हार गए, वरने छक्के कम नहीं पड़ते। हाँ हाँ अच्छा अच्छा मतलब तो गैस ये बोल रहा है कि यहाँ पे मशरूम कॉटेज टाइप का होगा राइट? तो यहाँ पे कॉटेजेस होंगे गाइस। और ये है अपना स्विमिंग पूल, पीछे वादियाँ। मैं जब आया था तो ये फर्स्ट फ्लोर तक था है ना, अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है गाइस यहाँ पे। और ये देखिए पूरा बनाना ट्रीज है यहाँ पे। यहाँ पे मंकीज नहीं आते वैसे, ये सब बनाना। यहाँ पे एलिफेंट है, आते हैं एलिफेंट? अगर किस्मत में होगा तो 2-3 एलिफेंट भी दिख जाएंगे। अच्छा तो गाइस कीप योर शूज हियर, यहाँ पे शूज रखने के लिए उन्होंने बोला है। ये स्विमिंग पूल है, बॉनफायर हम जलाते हैं ठंडियों में, मतलब थोड़ा गर्मी का एसेंस लेने के लिए, ठंडियों में गर्मियों का फील लेने के लिए यहाँ पे हम बॉनफायर जलाते हैं। देखिए गाइस कितनी प्यारी जगह है, मैंने आपको वादा किया था कि ऐसी जगह आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। आई होप नाउ यू कैन रिलेट दिस, आपने शायद ऐसी जगह नहीं देखी होगी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। हाँ तो गाइस अभी हम चलते हैं छत पे, ड्रोन फ्लाई करते हैं, आपको यहाँ का एरियल व्यू दिखाते हैं कि ऊपर से ये नज़ारा कैसा दिखता है। सो गाइस अभी अंदर चलते हैं, आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। 1, 2, 3 लेट्स गो। देखिए ये पूरा सोफे पड़े यहाँ पे। तो गाइस ये पूरा लोकेशन है देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए खेलने के लिए AMG आपने देखी थी, ये ANG देख लो ठीक है। यहाँ पे ट्रेडमिल, यहाँ पे TV, ये जो TV है पूरा फ्लिप होता है। अभी चलते ऊपर ड्रोन फ्लाई करते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है, उसके बाद आके मैं यहाँ का आपको टूर देता हूँ। चलो सो गाइस ये जो लोकेशन है ये 7 पहाड़ों के बीच में आता है, एंड आप देख सकते हैं पहाड़ों में सिमेट्री, कितनी प्यारी सिमेट्री है। देखिए मैं आपको काउंट कराता हूँ यहाँ से, 1, 2, 3, 4 ये 5, उसके पीछे 6 और ये 7, टोटल 7 पहाड़ों के बीच में ये लोकेशन है। एंड ऊपर से नज़ारा आप देखिए, हम यहाँ से ड्रोन फ्लाई करेंगे एंड आपको यहाँ का एरियल व्यू दिखाते हैं। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ शाम हो चुके हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फुल पार्ट आएगा, नेक्स्ट व्लॉग में और जो बचे हैं वो सारे वीडियोस आएंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर, पीस आउट। चिकन बारबेक्यू यहाँ बन रहा है, देखिए गाइस दिस इज द व्यू इन नाइट।